कम दाम वाली, कम से कम 15,000 की, 15,000 की हाँ। 10 की है, 12 की भी है, जैसे छोटी बड़ी वैसे डिस्काउंट भी कर सकते हैं आप, हो जाएगा डिस्काउंट यहाँ पर अगर आएंगे दोस्तों आप लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ गोलू सरोज, अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्रयागराज सांसों पशु मेला में। आज कुछ नई भैंसें आई हैं जो कि पणिया कटरी यहाँ पर आई हैं, कुछ नए आज आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। कुछ नए यहाँ पर पणिया कटरी आई हैं, लगभग 1.5 से 2 साल की यहाँ पर जो कटिया पणिया हैं यहाँ पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। आज की इस वीडियो में इसके रेट प्राइस में जानने वाला हूँ, क्या रेट प्राइस है इसके बारे में मैं पूरी तरीके से जानने वाला हूँ। लगभग यहाँ पर 20 से 25 कटरी पणिया यहाँ पर जो है सेल के लिए उपलब्ध हैं। आज दिखाना चाहूँगा कौन सी नस्ल की आई है और इसका रेट प्राइस क्या है। आज की इस वीडियो में सारे चीज़ें मैं जानने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आप बने रहें साथ, आज काफ़ी अच्छी जानकारी होने वाली है इस पणिया के बारे में और इसके बारे में मैं जानूंगा क्या रेट प्राइस है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने वाला हूँ इस पणिया के ओनर से। दोस्तों चलिए आपको मिलवाता हूँ मैं। भाई नमस्कार। नमस्कार, जैसे कि यहाँ पर अपना छोटा सा पर्चे बता दें हमारे व्यूअर्स। सांसों गोल चौराहा के बगल में है, सांसों मंडी। अच्छा, पशु विराट पशु मेला यहाँ रोज लगती है, रोज। इसमें जो आपके कटरी पणिया दिख रही है इसमें लगभग कितनी होंगी? इसमें है 20-25 पणिया है। कितनी साल की होंगी भाई? 1 साल 2 साल 2.5 साल तक की पड़िया हैं। अच्छा अच्छा, क्या रेट प्राइस है और कौन सी नस्ल की हैं जो कि? ये हरियाणा की पड़िया है, मुर्रा और भिंड भदावर। कितने साल की हैं भाई? 2 साल 2.5 साल 1 साल 1.25 साल की से पड़िया हैं। अच्छा अच्छा, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पड़िया आज कुछ मेले में काफ़ी बढ़िया सुंदर पड़िया दिख रही हैं यहाँ पर जो कि आई हुई हैं। कुछ नई पड़िया जो है यहाँ पर उतरी है ना भाई? हाँ कल ही आई। कल ही आई, तो इनका रेट प्राइस थोड़ा हमारे व्यूअर्स लोग को बता दें और अपना नंबर भी बता दें। अब रेट जैसे ये यारी पड़िया है, मान लो इसका दाम है 40,000। कुछ डिस्काउंट नहीं? 40,000 इतना बता रहे हैं? कम ज़्यादा हो जाएगा, लेने वाले आएंगे तो। अच्छा हो जाएगा, इतना दाम नहीं बताइए 40,000 भाई। अरे मान लो हो जाएगा, कम बस्ती हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तब भी 20,000 30,000 की हो जाएगी। 30,000 इतनी तो भैंस मिल जाती है भाई? भैंस कहाँ मिलेगी है ना सर, भैंस 2-2 लाख की मिलती है। अच्छा, हरियाणा की पड़ी है। जब मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाएगी कितना दूध देगी लगभग भाई? ये 15 से 20 लीटर देंगे दूध। अच्छा अच्छा, इतना लीटर दूध दे देंगे? सही दे देंगे, सही बताना भाई। सही बता रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो ये वाली पड़िया क्या रेट है जो किनारे दिख रही है? इसका दाम है 38,000। कितना? 38,000। अरे यार भाई इतना दाम ना बताइए भाई। अरे हो जाएगी 30 की ये भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इतना अगर देखेंगे तो वीडियो देख छोड़ कर भाग जाएंगे भाई। अरे तो बढ़िया पड़िया है यार भाई। अच्छा अच्छा, और 15-16 वाली है भी। 15-16 वाली, थोड़ा कैमरा मैन से कहना चाहूँगा आगे आगे दिखाएं 15-16 वाली क्या वाली है और कम रेट की है? 20,000 25,000। अच्छा अच्छा, वैसे 20,000 की है? हाँ, हर एक क्वालिटी 17,000। मतलब कितना यहाँ पर आपके पास जो आप 20-25 पणिया हैं, शुरुआती रेट कितना है? कम से कम, कम से कम 30,000 रुपये। अरे अभी बता रहे थे 20,000 तक पड़ जाएगी शुरुआती रेट है, 20,000 की 30,000 जैसे मतलब कि कम दाम वाली, कम से कम 15,000 की। 15,000 की? 10 की है, 12 की भी है, जैसे छोटी बड़ी वैसे डिस्काउंट भी कर सकते हैं आप, हो जाएगा डिस्काउंट। यहाँ पर अगर आएंगे दोस्तों आप लोग ना तो यहाँ पर डिस्काउंट भी कुछ हो जाएगा, जितना कह रहे हैं उतना है नहीं भाई, और छोटी बड़ी जैसा है वैसा पैसा है। अच्छा अच्छा, कोई 35 का है, कोई 40 का है, कोई 25 का है, कोई 15 की है, कोई 15 की है। किसी भी दूध डेयरी करने के लिए अगर लेना चाहे आप इकट्ठा में 10-20 भैंस दे सकते हैं आराम से दे सकते हैं, तो उनको एक ले जाए 100 ले दे देंगे। एक अट्ठम जो लेगा उसको थोड़ा आप डिस्काउंट नहीं करेंगे? हाँ, उसमें और डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हो जाएगा। एक बार अपना हमारे व्यूअर से जो नंबर बताएं जो कि आपसे संपर्क करना चाहें। 8081-93-75। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी इनसे कर सकते हैं, अगर खरीदना है आपको जो भी पसंद आए। मैं आपको क्लिप लगा दिया हूँ, देख लीजिए इस प्रकार से इनके पास भैंस हैं, कुछ जो कटरी पड़िया हैं पड़िया है। भैंस भी यहाँ पर आती हैं क्या? मिले भैंस भी बिकती हैं, पड़िया भी बिकती हैं, गाय भी बिकती हैं, तीनों चीज़। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है,
और आपको अगर ख़रीदना है दोस्तों तो यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी मंडी लगती है, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर जो है भैंसें आती हैं और कुछ पणिया भी आती हैं, कुछ गाय भी आती हैं दोस्तों। चलिए ठीक है।